तेरे जान दे सकता, तू दे सकता, तू आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। उसको समझता क्या? क्या करेगा तू? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। क्या फिल्म में दिखेगा आतंकवाद? कौन से किस्से पर बेस्ड हो सकती है फिल्म? फिल्म का नया कॉन्सेप्ट बनाएगा रीमेक को सक्सेसफुल? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आजकल आतंकवाद वाली और पैट्रियोटिक फिल्में ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है और डिमांड में भी है, क्योंकि ऐसी फिल्में हम सब में एक नया जज्बा और हमारे देश की सेना और जवानों के लिए एक रिस्पेक्ट और प्राउड वाली फीलिंग जगा देती है। और ऐसी फिल्म एक बार फिर से बनने जा रही है और वो और कोई नहीं 1994 के दिलवाले का रीमेक ही होने वाली है। और इस फिल्म में हमें ओरिजिनल कास्ट में से अजय देवगन और सुनील शेट्टी की जोड़ी फिर से एक बार देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म में हमें इस बार आतंकवाद का ऐसा किस्सा दिखाया जाएगा जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और कई फिल्मों में देखा भी होगा, और वो किस्सा है किसी स्कूल या कॉलेज को हाईजैक करने वाला किस्सा। आपको किंग खान की मैं हूं ना फिल्म याद तो होगा ही ना, जिसमें सुनील शेट्टी आतंकवादी थे और उन्होंने एक पूरी कॉलेज को अपने अंडर कर लिया था। और ऐसे ही एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी और वो थी यामी गौतम की ए थर्सडे, जिसमें उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने हवाले रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ऐसे किस्से रियल भी हो चुके हैं। आपको मुंबई का 26/11 वाला किस्सा तो याद ही होगा, उसमें दो आतंकवादियों ने एक पूरी हॉस्पिटल को घेरा हुआ था और उससे अपने कब्जे कर लिया था, और ऐसा ही कुछ कश्मीर में भी हुआ था। ऐसे ही रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हो गए दिलवाले 2, जिसमें आतंकवादी एक पूरी कॉलेज को अपने कब्जे करेंगे और उनको छोड़ने के लिए अपने आतंकवादी हेड की जमानत की मांग सामने रखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इस कॉलेज में अजय का बेटा और सुनील की बेटी ये दोनों भी पढ़ते होंगे, और अब देखना ये होगा कि ये दोनों अपने बच्चों के साथ बाकी के बच्चों को कैसे बचाते हैं। इसमें हमें अजय और सुनील अंडरकवर एजेंट्स के रोल में नजर आएंगे और इन दोनों स्टार्स को ये केस सॉल्व करते हुए देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों इस नए कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म बनाई जाए तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना तय है, क्योंकि ऐसी फिल्में आजकल डिमांड में है। और जब अजय और सुनील जैसे टॉप एक्शन हीरोज फिल्म में एक साथ हो तो फिल्म देखने कौन नहीं जाएगा, और साथ ही नए एक्टर्स भी इस फिल्म में शामिल होंगे। और ये एक इमोशनल ट्रेजेडिक मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल स्टोरी होगी जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप ऐसी स्टोरी वाली फिल्म देखना पसंद करेंगे और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ये नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर।